हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेम्पेरे यूनिवर्सिटी फिनलैंड में आपने मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है और उसका सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने फॉलो किया था। इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ यू कैन अप्लाई इन आल्टो यूनिवर्सिटी इन फिनलैंड और उसका क्या प्रोसेस है। हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलोअप करेंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे देता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए और टेम्पेरे यूनिवर्सिटी फिनलैंड में अप्लाई कीजिए। In this video, we will discuss how to apply for master's program in Aalto University. Specifically, मैं target कर रहा हूँ masters in electrical engineering. तो electrical engineers के लिए तो ये video total एक baseline होगी. लेकिन same process है बाकी disciplines के लिए भी। तो जो students masters में apply करना चाहते हैं in Aalto University, वो इस video को step by step follow करें ताकि आपको पता चले कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे फिलअप करना है, डॉक्यूमेंटेशंस को कैसे नेम करना है, क्या स्टडी ऑप्शंस भी आपने फिलअप करनी है और वो किस तरह फिलअप करनी है। इसके साथ साथ आल्टो यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपने अपना आईएलटीएस का रिजल्ट या पीटीई का जो भी आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है उस रिजल्ट को आपने आल्टो यूनिवर्सिटी के एडमिशन सर्विसेज को सेंड भी करना है थ्रू द अटेस्टिंग एजेंसी जिसके थ्रू आपने टेस्ट दिया हुआ है। वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। तो आप वो फॉलो अप करें ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे सेंड करना है अपने आईएलटीएस का रिजल्ट्स आल्टो यूनिवर्सिटी के एडमिशन सर्विसेज को। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अप्लाई करते हैं फॉर मास्टर्स फ्रॉम आल्टो यूनिवर्सिटी इन फिनलैंड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने स्टडी इन्फो डॉट एफ आई पे जाना है और सर्च ऑप्शन में जाके आपने अपना रेलिवेंट कोर्स फाइंड कर लेना है। इस वीडियो में हम आल्टो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने अपना एक कोर्स शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें भी हम अप्लाई करेंगे। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, ये डिग्री प्रोग्राम है और इसको अगर आप देखें तो फर्दर यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है कि ये 120 ECTS क्रेडिट आवर्स का है, 2 ईयर्स का प्लान है और 15,000 यूरो इसकी 1 ईयर की फ़ी है और इसके अंदर भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। 0 से 100% तक हम अवेल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर एकेडमिक प्रोफाइल। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एप्लीकेशन इज़ ऑन गोइंग और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है कोर्स की, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि आल्टो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और 1 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 2 जनवरी को एंड हो जाएगी। इसकी रिक्वायरमेंट है बैचलर्स की डिग्री। तो हम सबसे पहले इस फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं और हम अप्लाई करते हैं आल्टो यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम्स के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली यह है कि आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं आल्टो यूनिवर्सिटी में फॉर 1 एडमिशन साइकिल और उस एक एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप मैक्सिमम 2 अपने कोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं और वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने एक किया था अभी और एक हम एप्लीकेशन के अंदर दोबारा एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। अगर आपने एक ही कोर्स में अप्लाई करना है तो दैट इज़ योर चॉइस। यहाँ पे आप देखेंगे 19 आंसर्स हैं जो हमने फिलअप करने हैं और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये आपको कह रहा है कि यही जो मैं आपको बात बता चुका हूँ कि एक फॉर्म फिल करना है, उसमें 2 स्टडी ऑप्शंस ले सकते हैं। आपने जो स्टार वाली स्टेरिक वाली फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी, उनको लाजमी फिलअप करना है। उसके बाद अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट वगैरह में सेव नहीं होती क्योंकि ये इसमें कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनता। तो आपने सारी फिलअप करके सबमिट करनी है, उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। आपके पास एक ईमेल के ऊपर एडिटेबल लिंक आ जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं उसका एक फॉर्मेट है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट का नेम आएगा, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद आपका लास्ट नेम एंड देन आपका फर्स्ट नेम। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन्ड कलर्ड पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप 9 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 2 जनवरी तक है। तो आप इसको फिलअप कर लें। यहाँ पे वो चेकलिस्ट बता रहा है कि हमें क्या चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, उसके बाद हमें बाकी लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए और डिग्री रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप देखें कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ और एक और ऐड कर सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम हम इसके अंदर 2 प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा 2nd शॉर्टलिस्टेड कोर्स था, इसको मैंने ऐड कर लिया।
यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इन दिस एप्लीकेशन यू कैन अप्लाई टू टू स्टडी प्रोग्राम्स, तो दो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। ये आपकी प्रायोरिटी वाइज होना चाहिए, जिस अगर आप ज़्यादा कीन हैं कि इसमें एडमिशन हो तो इसको ऊपर रखें और सेकंड नंबर पे आप उसको रखें जिसमें आप लेस इंटरेस्टेड हैं या आपने उसको एज अ सेकेंड ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ है। उसके बाद आपने अपना जो फ़ोन नंबर है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर फिलअप करना है। यहाँ अब सेक्शन आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इसको आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लें। सारी डिटेल मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई हुई है जो कि टेम्पेरी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन करती है, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी आप फिलअप कर लें, मैं इसको फिलअप करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप यहाँ पर वो वाला अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दें जो कि आपके पास एक्सेसिबल हो टिल योर एडमिशन प्रोसेस, आपका वो वाला ईमेल एड्रेस ना हो जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अकाउंट पे बना हुआ है या आपके किसी एम्प्लॉयर के नाम पे बना हुआ है, तो उसको अवॉइड। तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखें। नेटिव लैंग्वेज में आप यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लें या अगर आपकी इंग्लिश है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद आपके पास सेक्शन आता है कि अपर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, और ये सिर्फ स्टेटिस्टिकल पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन है तो इसको हम नो करेंगे क्योंकि हमने कोई वोकेशनल क्वालिफिकेशन या अपर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं ली हुई। उसके बाद है डिग्री एलिजिबिलिटी, डिग्री ग्रांटिंग एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि ये वो यहाँ पे हम अपनी डिग्री के बारे में बताएंगे जो जिसकी बेस पे हम मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे डिग्री बैचलर्स डिग्री कंप्लीटेड आउटसाइड ऑफ फिनलैंड। इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास फर्दर नीचे फील्ड्स ओपन होगी, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लोअर यूनिवर्सिटी बैचलर्स डिग्री, और यहाँ पे आप उसका डिग्री का नेम और उसकी फर्दर डिटेल्स जो है वो हम मेंशन करेंगे एज़ पर योर डिग्री सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम सिलेक्ट यस करेंगे क्योंकि हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, अगर नहीं हुई तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे और फर्दर इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ बताएं कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री मेंशन कर दें, यहाँ पे 4 ईयर्स स्टडी बिगेन इन, यहाँ पे आप अपना ईयर मेंशन कर दें, स्टूडेंट नंबर इज़ नॉट मैंडेटरी तो आई विल स्किप इट, और 3 स्टेट्स प्रोविंस ऑफ, यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है अपने इंस्टीट्यूट का। इस फील्ड में आपने अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का ईमेल एड्रेस फिलअप करना है और यहाँ पे आपने उसकी वेबसाइट फिलअप कर देनी है, ये मैंने फिलअप कर दिया है। उसके बाद है अटैचमेंट अपलोड करने का सेक्शन, और सबसे पहले अटैचमेंट है डिग्री सर्टिफिकेट की, कलर कॉपी होनी चाहिए, स्कैन PDF में सेव होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट होना चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट - लास्ट नेम / फर्स्ट नेम एंड उसके अकॉर्डिंग आपने अपलोड करनी है। हम यहाँ भी अपनी डिग्री अपलोड करते हैं, मैंने इनको पहले से रीनेम करके रख लिया हुआ है, आप भी इसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को रीनेम कर लें और यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लें, ये मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्ट का है, ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद है अदर हायर एजुकेशन डिग्री, अगर आपने कोई कंप्लीट की हुई है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं की तो इसको स्किप कर दें सेक्शन को। प्रीवियस स्टडीज़ एट आल्टो यूनिवर्सिटी, नो हमने नहीं कुछ पढ़ा हुआ आल्टो में पहले। उसके बाद सेक्शन आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, इसमें आपने अपना जो भी IELTS या PTE या TOEFL की एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें आप इसको फिलअप करना है, तो मैंने IELTS एकेडमिक दिया हुआ है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप बताएं कि आपने कब टेस्ट दिया था और यहाँ पे आपने अपना TRF नंबर जो है आपका टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म नंबर है वो आपने मेंशन करना है। आपने अपना जब TRF नंबर मेंशन कर दिया उसके बाद IELTS इंडिकेटर लैंग्वेज टेस्ट है ये अगर आपने दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो इसको स्किप कर दें, और ओवरऑल यहाँ पे आप अपना स्कोर मेंशन कर दें, ओवरऑल 8 and 6.5 इन राइटिंग, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है अपना लैंग्वेज का रिजल्ट। उसके बाद ऑप्शन आती है स्टडी ऑप्शन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, जो आप कोर्स ले रहे हैं उसके उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तब वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके लिए आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि आपका इस कोर्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और सेम आपने उनको PDF फॉर्मेट में करके सेम नोमेनक्लेचर के साथ सेव करके रखना है और फिर उनको अपलोड करना है। सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोर्स आ गया, इस पर हमने क्लिक किया तो ये हमें कोर्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपके पास सेक्शन आएगा स्टडी ऑप्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपने अपलोड करने हैं।
एलिजिबिलिटी तो हमारी हम उसको मीट करते हैं, जनरल एलिजिबिलिटी, और उसके बाद हमारी जो वो कह रहे हैं कि आपकी डिग्रीज या आपका जो बैचलर्स में है आपने ये कोर्सेज एटलीस्ट पढ़े होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, और इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपके लिए प्लस पॉइंट है। डॉक्यूमेंट्स कौन से इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो आपको कह रहा है कि एक आपको CV चाहिए, एक आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाई यू आर फिट फॉर दिस मास्टर प्रोग्राम और आप क्यों ये अवेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, वो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जाके बनवा लें, और अगर आप प्रोफेशनल कैरियर अपना स्टार्ट कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं तो आप अपने इमीडिएट बॉस से भी बनवा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अलाउड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके एप्लीकेशन इवेलुएशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इनको आपने लाजमी अटैच करना है। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्स डिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं कि आपने बैचलर्स में कौन कौन से कोर्स पढ़े हैं और उन कोर्सेज के अंदर आपने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो ये बेसिकली जस्ट ऐड ऑन और बूस्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को। और वर्क सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं और भी अगर कोई अचीवमेंट्स आपने अपने एकेडमिक प्रोफाइल में ली हुई हैं तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द पब्लिकेशंस। और उसके बाद आपने अगर अदर देन जो बैचलर्स की छोड़ डिग्रीज भी की हुई हैं तो उनकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। GRE और GMAT अगर आपने दिया हुआ है तो उसका टेस्ट का रिजल्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि अभी हमने अपलोड करने हैं, और आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शंस देख लें कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपने वो लाजमी अपलोड करने हैं अपनी एप्लीकेशन प्रोफाइल में यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी CV अटैच कर देता हूँ और मोटिवेशन लेटर, और उसके बाद कोर्स डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ नोट की हुई थी तो मैं ये अपलोड करूँगा, और ये मैंने रिकमेंडेशन लेटर भी इस पे अपलोड कर दिया है, मोटिवेशन लेटर भी अपलोड कर दिया है, CV भी और कोर्स डिस्क्रिप्शन भी। इसमें आप अपने जो आपके वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, या आपको वहाँ पे कुछ अवार्ड्स वगैरह अगर मिले हुए हैं और आपने कुछ इंटर्नशिप्स किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है सेकंड स्टडी ऑप्शन। ये जो आपने सेकंड कोर्स अगर सेलेक्ट किया हुआ है अपनी इस एप्लीकेशन में तो ये उससे रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। अगर आपने सिर्फ एक ही कोर्स को सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आप इसको स्किप कर देंगे। तो मैंने क्योंकि दो कोर्स सेलेक्ट किए थे तो मैं अपना जो सेकेंड कोर्स है उसको भी यहाँ पर सर्च करूँगा और देखूँगा कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया है, और अगेन मैं बॉटम ऑफ दिस पेज पे जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे स्टडी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में। सेम है, CV रिक्वायर्ड है, मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है, अपलोड कर सकते हैं। तो मैं दोबारा इसके अंदर सेम चीज़ें अपलोड कर देता हूँ जो कि मैंने वहाँ पे अप्लाई की थी। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन कार्ड का। यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की जो कॉपी करवाई होगी, स्कैन कॉपी, उसका उसको अपलोड करना है। आप अपने पासपोर्ट की या अपने ID कार्ड की जो PDF स्कैन कलर्ड कॉपी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन आता है ट्यूशन फीस, एग्जाम्पशन एंड स्कॉलरशिप। और ट्यूशन फीस जो है फिनलैंड में EEA स्टूडेंट्स के लिए या यूरोपीय यूनियन स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री है, तो वो उसके लिए वो बिल्कुल पे नहीं करते। लेकिन जो नॉन EU स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15,000 यूरोस पर एकेडमिक ईयर इसकी फ़ी है इस कोर्स की, विच इज़ क्वाइट हाई। तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए लाजमी अप्लाई करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक भी डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूफ करता है कि आप EEA रेजिडेंट हैं या यूरोपीय यूनियन और स्विट्ज़रलैंड के रेजिडेंट हैं तो आपको फ़ी एग्जेम्पशन है, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ हमें जो है वो स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपसे वो पूछ रहा है कि आपके पास क्या क्या कौन सा इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो फिर हमारे पास कोई ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है, EU का रेजिडेंट परमिट भी नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस परमिट फिनलैंड का भी नहीं है, EU फैमिली मेंबर, नो नो नो, सो आई विल चूज़ आई डू नॉट हैव एनी ऑफ द अबव, और आई अप्लाई फॉर स्टडी ऑप्शंस इंस्ट्रक्टेड इन इंग्लिश, येस। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्कॉलरशिप की ऑप्शन आएगी, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू पे ट्यूशन फीस। ऑब्वियसली हम EU स्टूडेंट्स नहीं, EU रेजिडेंट्स नहीं है तो हमें फ़ी पे करनी पड़ेगी, लेकिन हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो टाइप की स्कॉलरशिप मैं पहले ब्रीफ कर चुका हूँ, आल्टो यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप देती है और एक स्टेट लेवल स्कॉलरशिप है जो कि फिनलैंड की गवर्नमेंट देती है, तो हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप लिमिटेड है हमेशा से ऐसी हमें एज यूजल। और उसके बाद
अगर आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप इस लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे येस आई अप्लाई फॉर आल्टो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, उसके लिए इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे, जो फिनलैंड स्कॉलरशिप के लिए भी हम अप्लाई कर देंगे येस। और उसके बाद सेक्शन हमारा आता है एजुकेशन एजेंसी, और इस क्वेश्चन कंसर्न्स एप्लीकेंट्स हु आर अप्लाइंग थ्रू एन एजुकेशन एजेंसी और कंसल्टेशन। आंसर नो इफ़ यू डू नॉट एनी सर्विस और एजुकेशन एजेंसी। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर रिपोर्टिंग पर्पज ओनली, और इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारी एप्लीकेशन या एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर, तो हम इसको नो करेंगे बिकॉज वी आर अप्लाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ आवर सेल्फ। और उसके बाद है एप्लीकेशन टर्म्स, और यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं जी कि आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए हैं और वो सारे ऑफिशियली सर्टिफाइड हैं, और आप ने कोई भी इनकरेक्ट या इलीगल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, अगर करवाया तो ये यूनिवर्सिटी राइट रखती है कि आपकी इसको डिस्कार्ड कर देगी एप्लीकेशन प्रोसेस को। क्लिक कर दें येस आई एक्सेप्ट द अबव एप्लीकेशन टर्म्स। उसके बाद परमिशन है कि आप परमिशन देना चाहते हैं मार्केटिंग के लिए अपनी इस इन्फॉर्मेशन का, आई विल गो विद द नो ऑप्शन। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेंट वो आपसे मांग रहे हैं कि बाय फिलिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म यू विल गिव योर कॉन्सेंट दैट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट एडमिशन कैन बी कैरिड आउट ओनली बाई ई मेल। इफ यू डू नॉट एग्री टू दिस टर्म्स प्लीज कॉन्टैक्ट द एडमिशन सर्विसेज फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट यू आर अप्लाइंग टू। तो आपके साथ यूनिवर्सिटी जो भी कम्युनिकेशन करेगी वो उस ई मेल एड्रेस के ऊपर करेगी जो आपने ऊपर मैंशन किया है, तो आप इसको यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले अगेन आप यहाँ देखें कि चेक आंसर सिर्फ वन रह गया, तो हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने सारे जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी वो फिलअप कर ली हैं, और अब हमारा एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लें। मैं अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लेता हूं, और उसके बाद हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमें ईमेल में क्या रिसीव होता है। मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है, और ये देखें कि इसमें मुझे उन्होंने बता दिया है कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, और उन्होंने मुझे एक ट्रैकिंग लिंक भी दे दिया जिसके थ्रू मैं अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकता हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो रही तो आप अपने जंक फोल्डर्स को चेक करें, और उम्मीद है कि वो वहाँ पे पड़ी होगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ हाउ यू अप्लाई टू द मास्टर प्रोग्राम्स इन आल्टो यूनिवर्सिटी। आई होप दिस वीडियो विल हैव हेल्प यू, और किसी भी किस्म की अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट बिलो। और एंड इफ दिस वीडियो इज़ ऑफ एनी हेल्प टू यू, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।